पशु। क्या हो गया भाई, कोई 50% सेल का कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, क्या हुआ क्या? नहीं तारक, मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हुई इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कौन सी मेहनत, क्या हो गया? आपको सैलेड और डाइट फूड खिलाने की मेहनत तारक। वो तो मैं खाता ही हूँ ना अंजलि। हाँ बाबा, लेकिन आज मैं इतना सारा सैलेड बना के गई थी, वो सारा सैलेड आपने डिनर में फिनिश कर दिया। मतलब फाइनली आपको मेरे सैलेड से प्यार हो ही गया। पर डाइट फूड से तो मुझे प्यार करना ही पड़ता है, लेकिन लेकिन क्या वो आज वो मतलब हाँ मैंने भी खाया। एक मिनट, मैंने भी खाया मतलब? मतलब कि वो सैलेड है वो अकेले मैंने नहीं खाया अंजलि। तो आपने मेरा सैलेड किस किस को खिला दिया? सच बताइए, किसको खिला दिया मेरा सैलेड? अरे भाई कुछ नहीं, इतना ओवर रिएक्ट मत करो अंजलि। अरे पर जेठालाल, चंपक चाचा और टप्पू ने भी खाया तो वो पूरा सैलेड खत्म हो गया। क्या चाचा जी, जेठा भाई और टप्पू ने खाने में मेरा सैलेड खाया? क्यों? हाँ देखो हुआ यूँ, दया भाभी नहीं है तो आज रात को आप तीनों मेरे घर में खाना खाने आइए ना। चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आएंगे। पापू जी ने वादा किया था। जेठा जी, तो आज हमारे ये रॉयल बंगाल डिनर कैंसिल करते, आज के लिए आप पोपट भाई के हाथ का डिनर एंजॉय कीजिए। ये तो कितना तीखा है। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो आप लोग मेरे घर खाना खाने चलिए ना, अंजलि बहुत सारा सूप और सलाद बना के गई है, हम लोग खा लेंगे। माय गॉड, ऐसा हुआ था? वो बेचारों का मन नहीं था, लेकिन मन होने के बावजूद भी खाना पड़ा सलाद उन लोगों को। अगर मैं होती ना तारक तो उनके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती। लेकिन कोई बात नहीं तारक, कल सुबह हम दोनों जेठा भाई के घर उनका फेवरेट फाफड़ा जलेबी लेके जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया, जलेबी फाफड़ा, क्या बात है। साथ में ना पपीता की चटनी भी लेंगे, मजा आ जाएगा। किसको? जेठालाल को, उसका फेवरेट है ना जलेबी फाफड़ा, इसलिए। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो फ्रेश फ्रेश एटीएम स्पेशल सैलेड और सूप बनेगा। अरे तो चीटिंग है अंजलि यार, ये तो हद है यार, डिस्क्रिमिनेशन, इतना पक्षपात। मतलब किसी के लिए जलेबी फाफड़ा और हमारे लिए क्या सूप, किसी के लिए स्वाद और हमारे लिए सलाद। टू मच तारक, टू मच। अभी इतना नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। आप भी कल जेठा भाई और उनके परिवार के साथ बिंदास फाफड़ा जलेबी का लुत्फ उठाइएगा। पक्का? हाँ पक्का। ये हुई ना बात। लेकिन जेठा भाई को मत बताना, उनके लिए सरप्राइज है। हाँ, अरे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। जेठालाल को ऐसा जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हेलो बागेश्वर जी। हेलो बावरी जी। मैं भी आप ही को याद कर रही थी बागेश्वर जी। मैं भी अभी आप ही को याद कर रहा था बावरी जी। मिस यू। मिस यू टू बागेश्वर जी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। करूंगा ही ना, क्योंकि आपका दिल मेरे पास है और आपका मेरे पास। अच्छा बावरी जी, मैंने खास बात बताने के लिए आपको फोन किया है। क्या बात है, बोलिए ना। बावरी जी, कुछ दिनों के लिए सेठानी जी बाहर गई हैं, तो मैं ये सोच रहा था। मैं समझ गई कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके सेठ जी, जंपक चाचा, कप्पू खाने का क्या कर रहे होंगे? आप एकदम सही सोच रही हैं बावरी जी, लेकिन जंपक चाचा नहीं, चंपक चाचा यानी बापू जी, और गप्पू नहीं टप्पू सेठ जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक काम करते हैं, मैं और आप कल सुबह उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर चलते हैं। अरे वाह बावरी जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। तो बागेश्वर जी, मैं उनके लिए क्या नाश्ता बनाऊं? उनको क्या अच्छा लगेगा? बावरी जी, आपको जो बनाना है वो आप बनाइए, आपके हाथों में जादू है, जादू। आप जो भी बनाएंगी वो एकदम टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए नाश्ते में स्पेशल पोहे बनाती हूँ। पोहे? हाँ बावरी जी, ये एकदम मस्त रहेगा। और आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं बागेश्वर जी? कुछ मत बनाइए बावरी जी, सब वेस्ट जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे बागेश्वर जी कि मेरे हाथों में जादू है, और अभी आप कह रहे कि वेस्ट जाएगा। अरे वेस्ट जाएगा मतलब? बावरी जी, आपकी आंखों में जादू है, जादू। आपकी आंखों में देखते ही मेरी भूख प्यास सब हवा हो जाती है। अच्छा वैसे।
अच्छा बावरी जी, कल सुबह आप नाश्ते के साथ रेडी रहना, मैं वहाँ आऊंगा, आपको पिक करूंगा और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है। बाय बावरी जी, लव यू। बाय बागेश्वर जी, लव यू टू। मिस मिया ऑलवेज। गुड नाइट। गुड नाइट। मजा आ गया ना दादाजी? हाँ। अरे वाह, देखिए तुम्हारे जल्दी तैयार हो गए। हाँ बापू जी। पापा अगर आप थोड़ा और जल्दी उठ जाते ना तो हमारे साथ वॉक करने भी आ सकते थे। अरे नहीं नहीं टपूड़ा, वो जल्दी उठ जाता तो भी नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बापू जी, क्योंकि आज मैं अगर जल्दी उठ भी जाता ना तो मैं नहीं आता, क्योंकि आज मैंने तय किया था कि आज जल्दी उठ के तैयार हो के हम तीनों के लिए चाय नाश्ता मैं बनाऊंगा। ये देखिए सब तैयार है। बाबा क्या बात है बाबा। बापू जी ये देखिए, हम दोनों के लिए चाय, टप्पू के लिए दूध, और नाश्ते में ये खाखरा और ये चिवड़ा। वाह तैयार है, टूट पड़ो। बेटिया मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे लिए चाय नाश्ता बनाएगा। हाँ पापा मैंने भी नहीं सोचा था ना बापूजी, मैं सुबह जल्दी उठने में थोड़ा आलस करता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं जल्दी उठ सकता हूँ। एक बात तो कहनी पड़ेगी यार जेठिया, आज का चाय नाश्ता एकदम ऐतिहासिक रहेगा, तूने जो बनाया है। नहीं मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है बापूजी। ये देखिए वो खाकरा और चिवड़ा तो तैयार ही थे, खाली डिब्बे में से निकाल के इसमें रख दिए। चाय तो बनाई ना तूने? चाय बना है वे, चाय में क्या अभी? अरे नहीं नहीं इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। चलो चाय नाश्ता कर। जेठालाल अंदर आ सकता हूँ? नहीं। चाचा जी क्या मजाक कर रहा हूँ बापू, ये मेरा आजा भाई आजा। अंदर आने के बाद पूछ रहा है अंदर आ जाऊं? सॉरी सॉरी। ये क्या उपचारिकता हुई? सॉरी सॉरी। ऊपर बेटा तू एकदम सही वक्त पे आया है, हम लोग अभी चाय नाश्ता करने बैठ ही रहे थे। तू भी बैठ जा। चाचा जी मैं आप लोगों के साथ नाश्ता करने ही आया हूँ, लेकिन उसके पहले कल रात को आप लोगों को मेरे घर से खाना खाए बिना जाना पड़ा था, इसलिए फिर एक बार आपकी माफी मांगना चाहता हूँ। कल रात की बात तू अभी भी अपने दिमाग में लेके घूम रहा है? अरे भूल जा साहब, चल चल चाय नाश्ता कर। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं अपनी गलती सुधार नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा, और अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं आप तीनों के लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी लेकर आया हूँ। ये देखिए। अरे फुफन बेटा इसकी क्या जरूरत थी, अरे नाश्ता है। नहीं नहीं जरूरत कैसे नहीं थी भाई, आज आप लोगों को पूरी भाजी ही खानी पड़ेगी, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कल रात की तरह कोई गड़बड़ नहीं है, नमक मिर्ची सब मात्रा में है। चखिए चखिए। चिंता मत कीजिए, इसे मैंने नहीं बनाया है, सुबह सुबह उठकर आप लोगों के लिए खास रिक्शा पकड़कर माखनलाल की दुकान से लेकर आया हूँ। अच्छा माखनलाल से लेकर आए हो? हाँ। बापूजी माखनलाल की पूरी भाजी तो जोरदार होती है। चलिए फिर तो गरम गरम है खा लेते हैं। हाँ, मैं एक प्लेट में परोस के लेके आता हूँ। जेठा जी हम अंदर आ सकते? अरे आइए आइए पपीता जी, आइए भाई आइए आइए आइए। जेठालाल तुम्हारे लिए, चाचा जी के लिए, टप्पू के लिए सरप्राइज है। क्या? देखिए कल रात को तो आप लोग हमारे वहाँ पे डिनर पे आने वाले थे, पर आपका प्लान लास्ट पॉइंट पे चेंज हो गया, इसलिए जेठालाल हमने सोचा कि कल रात का डिनर ना सही तो आज का ब्रेकफास्ट ही सही, इसलिए मैं आपके लिए बंगाली स्पेशल कोराई छुट्टी कचौरी बना के लेके आई। कोराई छुट्टी कचौरी? कोराई छुट्टी कचौरी जैसे मटर की पूरी समझ लो। ओहो अरे वाह, अरे आज फिर से कल जैसा हो गया। बबीता जी बेचारे हमारे लिए प्यार से कचौरी लेकर आए, पर ये पोपटलाल पूरी भजी लेके आ गया, आज ये फिर से नड़ेगा। लगता है बबीता जी के हाथ का बना खाना मेरा नसीब में ही नहीं है। जेठालाल क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ आज फिर से कल जैसा हो गया। क्या क्या? वो पोपट बेटा भी नाश्ता लेकर आया है।
हाँ सुबह सुबह उठ के खास इनके लिए लेकर आया हूँ। पोपट भाई दिस इज नॉट फेयर, कल रात का डिनर तो आपने करवाया ना, तो ब्रेकफास्ट का मौका तो हमें ही मिलना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं बबीता जी। क्या मंदिर आ सकते हैं जेठालाल? अरे आइए आइए मेहता साहब आइए। क्या बात है अय्यर भाई, बबीता जी, पोपट भाई, आप सब यही है, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग भी जलेबी फाफड़ा की इस महफिल पे शरीक हो जाइए। फाफड़ा जलेबी? हाँ भाई, कल के सूप और सलाद की भरपाई है। देखिए जेठा भाई, स्पेशली आपके लिए फाफड़ा संभारा और जलेबी आप सबके लिए। जेठा जी, आप ये फाफड़ा जलेबी के प्यार में मेरे इस कोराईशुटी कचौरी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हा? लेकिन कोराईशुटी कचौरी के साथ न्याय हुआ तो मेरी पूरी बाजी के साथ अन्याय हो जाएगा। भाई सुबह सुबह उठकर रिक्शा पकड़कर बहुत दूर से इनके लिए लेकर आए। अरे पोपटलाल चिंता मत करो, हम ये सब चीज खाएंगे। अरे जेठालाल, अरे आप सब यहाँ कहीं मेरी गैरहाजिरी में यहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं भिड़ंगल, सोसाइटी की मीटिंग नहीं, नाश्ते की मीटिंग हो रही है। अगर भाई मीटिंग, हम लोग नाश्ता लेकर ही आए हैं। आप लोग क्या लेकर आए हैं? माधवी ने मस्त पे की गर्मा गर्म थाली पीठ बनाए हैं विद लोनी एंड लोनसो। अरे वाह, थाली पीठ तो मेरी फेवरेट है। लो माखनलाल की पूरी भाजी, कोराई शुटीर कचौरी, जलेबी फाफड़ा के साथ अब थाली पीठ भी आ गया नाश्ते में। और जेठे ने तो पहले से खाकर और चिवड़ा तो रखा ही है। रोशन आ गए जी। कमाल है भाई, देखो हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग भी इधर? हाँ रोशन बाबी, सब लोग मुझे बापू जी और टप्पू को नाश्ता खिलाने के लिए अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके आए। ये तो कमाल हो गया भाई, हम सारे गोकुल धाम वाले एक जैसे ही सोचते हैं। मतलब हम भी जेठा भाई, चंपक चाचा और टप्पू के लिए नाश्ता लेकर आए हैं, पराठे और लस्सी। जो जो। अरे अरे अरे, क्या बात है? आप सब यहाँ? अरे ना कोमल भाभी, डोंट टेल मी कि आप भी जेठा जी, चंपक चाचा और टप्पू के लिए नाश्ता लेकर आए हो। क्यों? ऑफ कोर्स, मैंने भी इन तीनों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाई है। बोलो। ओ, 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 बापूजी ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया जेठा भाई? अरे भाई कमाल ये हो गया है हतीड़ा, क्या पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के मन में एक ही विचार है। मतलब ये पोपटलाल हमारे लिए मक्खनलाल के दुकान से पूरी भाजी लेके आया है, फिर ये बबीता जी बंगाली कचौरी लेके आए है, फिर मेहता साहब जलेबी फाफड़ा लेके आए है, माफी पापी और भीड़े हमारे लिए थाली पीठ लेके आए, सोटी और रोशन पापी हमारे लिए पराठा और लस्सी लेके आए, और अभी आप कचौरी लेके आए। बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हर तरह का भोजन आज यहाँ पे, ये तो नाश्ते का राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। ओ यारो, ये तो कमाल और धमाल हो गया। सच में कमाल हो गया। I don't believe this. सब एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? ये तो एक प्रकार का चमत्कार ही हो गया। अरे माधवी भाभी, हमारी सोसाइटी जानी जाती है अनेकता में एकता के प्रतीक के नाम पे। सच में एक तरह का चमत्कार ही है। आप सबका इतना प्यार देख के मेरा तो दिल भरा है। है बापू जी, हमने किसी को नहीं कहा था कि हमारे लिए नाश्ता लेके आना, लेकिन सबके मन में एक ही टाइम पे एक ही विचार आया कि दया नहीं है तो हम क्या नाश्ता करेंगे, और हमारे लिए सब कुछ ना कुछ नाश्ता लेके आ गए। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया किस बात का भाई, और हम पूरा गोकुलधाम एक परिवार ही तो है। हाँ जेठालाल, परिवार में क्या कोई एक दूसरे को शुक्रिया कहता है? अब चंपक चाचा तुम्हें क्या किसी बात के लिए शुक्रिया कहेंगे, परिवार है हम लोग। चलिए भाई, अभी सभी अपने अपने घर से इतना बढ़िया नाश्ता लेके आए तो पोटलक पार्टी करते हैं। क्या क्या पोटलक पार्टी? क्या नहीं नहीं जेठालाल, पोटलक पोटलक मतलब पश्चिम में एक परंपरा है भाई, हर आदमी अपने अपने घर से खाना लेके आता है, तो सबके घर से अलग अलग खाना और सब मिलके एक साथ खाते, इसलिए वो पोटलक। अच्छा उजाड़ी करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सोचा था कि
चाचा जी जेठा भाई और टप्पू के साथ मिलके नाश्ता करेंगे, इसलिए हम लोग घर से नाश्ता करके नहीं आए और बहुत तेज भूख लग रही है। ओह हाथी भाई, हमने भी यही सोचकर नाश्ता नहीं किया। हाँ हमने भी नहीं किया है नाश्ता। धीरज रखिए। नहीं नहीं मैं तो मतलब हाँ भाई मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। क्या बात करते हो? नहीं नहीं। अरे अरे तो चलो 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 सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ देर किस बात की है, और इतनी सारी वैरायटी का नाम सुन के तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत जोर से भूख लगी। बाप रे सेठ जी कहाँ है? हाँ यहाँ हूँ बागा। वहाँ है, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो भावरी के साथ सुबह सुबह यहाँ कैसे? हम आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। ले बोलो बापू जी। मतलब बाघ अंकल आप भी हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हो? आप भी मतलब? अरे बेटा मतलब ये कि ये सब लोग भी अपने अपने घर से हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। अरे वाह, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते में पोहा बनाकर लेकर आई हूँ। वाह वाह वाह, लो अभी पॉटलक में पोहे भी शामिल हो गए। देखा जेठा, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी वाले बागा बावरी हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। सच में आप सबका प्यार देख के आज मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं गोकुल धाम सोसाइटी में रहता हूँ। इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे पड़ोसी, दुनिया में और कहाँ मिलेंगे बापूजी? है एकदम सही कहा जेठिया तूने। मैं क्या कहता हूँ, अब जब भी मुझे जेठिया को या टब्बू को कुछ भी खाना पीना होगा ना, तो हम लोग सामने से फोन करके आपके घर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बराबर बराबर है बापू जी। वरना क्या है कि आज की तरह अगर हर रोज आप सबको एक साथ ऐसा विचार आया हमें खाना खिलाने का, तो इतना सारा खाना तो हम खाते भी नहीं है और खाना भी वेस्ट हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा जिसके भी घर जाने की इच्छा होगी उसके घर हम फोन करके पहुंच जाएंगे, है ना बापू जी? और दादाजी पापा आप जब भी खाने का प्लान बनाओ तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देना, वरना कल जैसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। टप्पू सेठ जी आप खाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमारा वर्ल्ड फेमस पद्मावती भोजनालय तो है ही, पद्मावती भोजनालय से आप कभी भी खाना मंगवा सकते हैं। वो तो है, पद्मावती भोजनालय का खाना एकदम स्वादिष्ट और एकदम घर जैसा होता है। अरे भाई दोस्तों अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से खाना शुरू करते हैं ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओ यारो तो नक्की करो और कर दो आक्रमण। हम लोग भी आए। अरे गोली गोगी कहाँ पर है? ओ मेरा दोस्त है पंजाब में, वो अपने बच्चों के साथ मुंबई देखने के लिए आया और गोगी पुत्र उनको घुमाने ले गया अपनी मुंबई। अरे भाई बातें ही करेंगे या नाश्ता भी करेंगे? पद्मावती भोजनालय में मेरा बापूजी का और टप्पू का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, वो जब तक गया नहीं है तब तक जरा बोल देना। हाँ मैं बोल दूंगा। भेज देंगे ना टिफिन? हाँ हाँ आराम से भेज देंगे। गोकुल धाम एक मजबूत और खूबसूरत वृक्ष की तरह, जहाँ अलग अलग परिवार घोंसले बना के रहते हैं और तमाम पंछी एक साथ चहकते हैं, खुशियां मनाते हैं और इनका कलरव सारे ही वातावरण में खुशियां बिखेरता। अब जैसा कि आपने देखा, दया भाभी इन दिनों जेठालाल के घर नहीं है, लेकिन गोकुल धाम निवासी उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे।
खुशी मस्ती और ठाकुर भरे हंगामे के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।